अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करेंगे, हैदराबादी चिकन दम कोरमा की, जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो आइए चलते हैं हम लोग चिकन बनाने हैदराबादी स्टाइल से। इसके लिए हमने 2 kg के करीब चिकन ले लिया है, जिसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया यानी साफ कर लिया है। पूरी बोटियाँ हमने अच्छे से धुल ली है। तो सबसे पहले हम चिकन हैदराबादी दम शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने एक भगोना ले लिया है, जिसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है। और अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। हमने 1 teaspoon जीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंगे, 2 दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता और हरी इलायची 3 लिए हमने। इस सबको हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा देर इसमें चटकने देंगे। और सारी हमने जो चिकन ले रखा है अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे हम सारी चिकन की। देखिए, हमने 2 kg करीब चिकन ले लिया है, इसमें हमने ऐड कर दिया है। कम से कम 7 लोगों के लिए चिकन काफ़ी रहेगा। इसी क्वांटिटी के हिसाब से हम इसको बना रहे हैं। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 4 से 5 बड़े टेबल स्पून से हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें इसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे 2 से 3 मिनट तक। देखिए, हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको चला लिया है, जिससे कलर भी चेंज हो चुका है चिकन का और जो स्मेल होती है वो भी बिल्कुल हट गई है। अब हमने 2 से 3 बड़ी प्याजी ली है, जिसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है यानी बारीक बारीक इसका पेस्ट बना लिया है। इसको ऐड कर देंगे हम इसमें और इसको भी अच्छे से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो प्याज की स्मेल होती है वो हट जाए। अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। हमने हल्दी पाउडर लिया है 1 teaspoon, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 teaspoon, धनिया पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, नमक लिया है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टेबल स्पून। इन सबको अच्छे से हम मिक्स करते हुए चला लेंगे और 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही भूनेंगे। देखिए, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। हमने 2 टमाटर लिए हैं और इसको बारीक पेस्ट बना लिया है, इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से सारे मसालों को भून लेंगे 5 मिनट से 10 मिनट तक, ताकि तेल जो है वो ऊपर आ जाए और जो है चिकन बहुत अच्छे से बन जाए। हमने जो प्याजे तली थी, कम से कम 5 से 7 प्याजे ली थी हमने, इसको हल्का गोल्डन कर लिया था और इसको हमने निकाल लिया था ऑयल से। अब हम इसका बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। हमने जो जार लिया था उसी में हम इसको ऐड कर देंगे और इसका एक बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है हमको पेस्ट बनाते हुए। देखिए, हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है प्याज, अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे कोरमा में। हैदराबादी चिकन कोरमा बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से इसका टेस्ट रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस टाइम पे हमने इसमें सारी प्याजों को ऐड कर दिया है और देखिए तेल भी काफ़ी ऊपर आ चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे हम। देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमने चला लिया है। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम 1/2 कप के करीब दही ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है चिकन कोरमा, आप इसको मेरी स्टाइल से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हैदराबादी स्टाइल से बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट बनता है ये। इन मसालों को आप यूज़ करेंगे, बहुत ही खुशबू आने वाली है। वन टेबल स्पून के करीब हमने गरम मसाला ऐड किया है, जो होममेड गरम मसाला है, जिससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छी खुशबू सारी चीज़ें आती हैं। तो हमने होममेड ही गरम मसाला यूज़ किया है। देखिए, बहुत अच्छे से हमारा चिकन बिल्कुल भुन चुका है और तेल भी पूरा ऊपर आ चुका है। अब इस टाइम पे हल्का सा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमने 1/2 कप के करीब पानी ऐड किया है और इसको मिक्स करते हुए हम चला लेंगे। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा कोरमा हैदराबादी, बहुत ही टेस्टी। अब इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। देखिए, 2 मिनट हो चुका है, कितना अच्छा तरी आई है ऊपर, बहुत ही अच्छा कलर और बहुत ही अच्छा फ्लेवर के साथ हैदराबादी चिकन दम कोरमा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हरी धनिया से हम गार्निश कर देंगे।
देखिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर के साथ और बहुत ही अच्छा टेक्सचर कलर के साथ हमारा चिकन दम कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी ये हैदराबादी दम रेसिपी कोरमा की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसी लगी आपको ये हमारी रेसिपी। देखिए बहुत ही अच्छा इसका कोरमा, इसकी करी बनी है जो बहुत ही देखने में तो अच्छी लगी रही है, खाने में इससे भी बहुत ही बेहतरीन है। चिकन भी देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, बहुत अच्छे से गल चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।